उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए जंग होने वाली है। 10 सीटों पर सियासी दल अपना दमखम दिखाएंगे। उपचुनाव में हाईलाइट सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर भी होगी। इसी कड़ी में बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। करहल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। दिवाकर समाज के सम्मेलन में भाग लेने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस सीट से तेज प्रताप सिंह यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि सभी लोग मिलकर उन्हें जिताएंगे। रामगोपाल के इस बयान के बाद करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा के चेहरे की तस्वीर साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता की जो कहते हैं वो करते हैं, तो जब तक नेता की नीयत ठीक नहीं है तब तक नीतियां लागू नहीं होती, व्यवस्था सही नहीं होती। बीजेपी की न नीतियां ठीक हैं, न नेता ठीक हैं, न नेताओं की नीयत ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट पाने का अधिकार है आम व्यक्तियों, और इस तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़ाए पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा और देखे रहिए आपका वोट कटने न पाए। ये जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं है, इसका वोट डालने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लोगों के हाथ में होता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। तेज प्रताप सिंह यादव के नाम की चर्चा पिछले दिनों लगातार चल रही थी। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में तेज प्रताप सिंह यादव उम्मीदवार बनाए जाएंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर विरोध शुरू हो गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से मैदान में उतरे। उन्होंने जीत दर्ज की और इसके बाद करहल विधानसभा सीट खाली हुई और इस पर तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा शुरू हो गयी। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। करहल विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप सिंह यादव अब दांव लगाएंगे। तेज प्रताप की उम्मीदवारी की घोषणा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने की। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी। इस चुनाव के बाद वो जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। उनकी जीत के बाद ही करहल विधानसभा सीट खाली हुई थी। अखिलेश ने इस सीट से तब इस्तीफा दिया था। अब तेज प्रताप यादव यहां से अखिलेश की विरासत को आगे बढ़ाते दिखेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के मैनपुरी लोकसभा सीट खाली करने के बाद पोते तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा गया था। वो यहां से जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने थे। 26 साल की उम्र में सांसद बनने का गौरव भी हासिल किया था। उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी की इस घोषणा के जरिए एक बड़ा संदेश दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।